हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक और ग्राफिक्स मोड पैक, जो कि आपके जीटी सैन एंड्रियास को एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम बनाने वाली है। और ये जो मोड होगा, ये आपके एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल होगा। एंड और एक बात, चैनल पे और भी बहुत सारे जो मोड्स है वो अपलोड हो चुके हैं, और जो प्लेलिस्ट है यार, पूरी की पूरी भर चुकी है जीटी सैन एंड्रियास के मोड्स से। इतने सारे मोड्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप चेक करना चाहते हो मोड्स को, सो क्लिक द प्लेलिस्ट एंड आप वहाँ पे जाकर के आपका मन पसंदीदा जो भी मोड है आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। आपको हर एक टाइप का मोड पैक वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चीज़ मेरे को हर वीडियो में बोलनी होती है, क्योंकि आप लोगों में से सब्सक्राइब नहीं करते यार, और काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर भी देते हो तो उसके बाद में प्रॉब्लम ये रहती है कि बेल नोटिफिकेशन कॉल पे नहीं करते। तो बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, एंड इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी वीडियोज़ की। एंड एक और बात, आगे जा करके मैं कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ अपने मेन चैनल पे, जो कि यही वाला चैनल है। तो वो स्पेशल चीज़ क्या होगी वो आगे जाके आपको पता लगेगा। फिलहाल अभी के लिए आप इस चैनल पे कनेक्टेड रहो, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। और एक बात, हमारा जो सेकंड चैनल है वहाँ पे फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस जो है अब आने वाली है, एंड थोड़ी बहुत मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने वॉच नहीं करी तो वॉच कर सकते हो। उन वीडियोज़ को देखने के बाद मैं आपको, आपकी जो एडिटिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस मोड के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो इस मोड के अंदर आपको एक ऐसे रियलिस्टिक टेक्सचर्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो ये वाला जो मॉड पैक होगा, ये मैच करेगा, ये रिलेट करेगा आपकी जीटी सैन एंड्रियास के मोस्ट पॉपुलर, सबसे बेस्ट ग्राफिक मोड पैक इज DirectX 3.0 से आपका मैच करने वाला है ये गाइस। जी हाँ, DirectX 3.0 से ये वाला जो ग्राफिक मोड पैक है ये आपका मैच करने वाला है। एंड कैसा मोड पैक होने वाला है वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने किए, क्या पासवर्ड होगा मोड पैक का, एंड मोड का गेम प्ले कैसा दिखता है वो भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड गाइस, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज आई एम गोना शो यू the full gameplay of brand new mod pack in this video only. So watch this video and let's go to the installation. First of all, I show you the installation because installation is very important. So yeah, let's go. फाइल आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन, जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लो। उसके बाद में इस फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करो। पासवर्ड यहाँ सबसे पूछेगा, पासवर्ड आपको डालना है बाय सेफरोन। सी बाय सेफरोन डालने के बाद में यहाँ पे आप ओके कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड क्या है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड जैसे डाल देते हो आपका एक्सट्रैक्टिंग में टाइम लगाएगा क्योंकि फाइल बड़ी है। ओबियसली फोल्डर आपको मिल जाएगा आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग। आपको फोल्डर मिलने के बाद इस फोल्डर को यहाँ से कट कर लो, डिवाइस मेमोरी में जाओ। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद एंड्रॉइड डेटा, डेटा में जाने के बाद दैट पेस्ट है, उस फोल्डर को ओपन करो। फाइल्स में जाओ, फाइल्स में जाने के बाद TXDB में जाओ। TXDB में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है GTA3 के फोल्डर में, एंड देन यहाँ पे आपको रीनेम कर देना है, ठीक है। रीनेम यहाँ पे कर देना है अकॉर्डिंग टू योर GPU, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका गेम क्रैश हो जाएगा, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ करके ही आप अपना गेम ओपन करना। एंड यहाँ पे पॉइंट्स के मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी मिस्टेक भी हो गई ना, देन आपका जो गेम होगा वो क्रैश हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ओनली GTA 3 का जो फोल्डर रहेगा उसी के अंदर ही आपको रीनेम करना है, और किसी के अंदर आपको रीनेम नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने रीनेम कर दिया है, मैं थोड़ा बैक आऊँगा एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो पूरा का पूरा रीनेम है, बाकी के जो फोल्डर्स है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रीनेम कर दिया है सभी GPU के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको इतना ही करना है, आपको GTA 3 का ही जो नेम है वो चेंज कर देना है, और कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत ही छोटी चीज़, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखो, तब आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज यही है, ये आप मोड पैक देख सकती हो, इसका गेम प्ले यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा ये गेम प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड जो DirectX 3.0
2.0 वाली जो फीलिंग वो यहाँ पे आ रही है, कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस मैंने इस मोड पैक के अंदर किए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मोड पैक जो है ये लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मोड पैक लग रहा है देखने में। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसको खेलने के लिए, ठीक है। तो जो क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है, जो मुझे आउटपुट आ रहा है इस गेम से, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत ऑसम लग रहा है, और गेम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको प्रोवाइड करती है जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ स्पोर्ट्स कार्स जो है मैंने यहाँ पे एड करी है, कुछ ऐसे कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा देगी, और रिफ्लेक्शंस आप यहाँ देख सकते हो, रिफ्लेक्शन लेवल जो है इस मोड पैक का बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। मेन चीज़ यही है, रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी है इस वाले मोड पैक के अंदर, एंड आई होप कि ये वाला जो मोड पैक होगा ये आप सभी लोगों को पसंद आएगा, एंड आप ये जो गेम प्ले है ये अच्छे से आप देख सकते हो। स्काई बॉक्स यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा यूनिक देखने के लिए मिल जाएगा, अभी आपको स्काई बॉक्स नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन जब आप अपना वेदर चेंज करोगे, अपना टाइम चेंज करोगे मोड पैक के अंदर, तो आपको जो है स्काई बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। 4K स्काई बॉक्स जो है मैंने इस मोड पैक के अंदर ऐड किया है, जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में जो आपको बात कही थी प्लेलिस्ट वाली, वो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे मोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना मन पसंदीदा मोड जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो गो, जल्दी से जाओ एंड मेरी प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, ऊपर आई बटन पे आपको शो हो रही होगी, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर एक मोड की वीडियो में जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी GT Thunder Diaz की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करता हूँ। GT Thunder Diaz एंड्रॉयड से रिलेटेड आपको जो भी मोड पैक चाहिए आप मेरे को कमेंट करो, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे टैग करो, DM करो, एंड अगर आपको अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम उसको सोल्व आउट करवाना है तो यहाँ पे नीचे कमेंट आप लोगों के लिए है यार, कमेंट करो, एंड आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम जो है आपका चेक करता रहता हूँ कि किस किस के मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बंदों के ऑलरेडी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मैं सोल्व कर चुका हूँ बाय द इंस्टाग्राम, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं कि रीनेम मेरे से नहीं हो रहा, आप मुझे बता दो थोड़ा रीनेम के बारे में, तो मैं उनको वहाँ पे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। और कुछ लोगों का गेम क्रैश होता है तो मैं उन लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ कि आपका गेम किस वजह से क्रैश हो रहा है, वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो क्या इशू आता है, तो मैं वापस जो है उनको हैंड टू हैंड DM करके एंड उनका जो प्रॉब्लम होता है वो मैं क्विक वे में सॉल्व कर देता हूँ। सो अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम होता है मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मेनली वहाँ पे DM कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहाँ पे हमारे जो वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन है डेली आते रहते हैं, तो वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको जो है यूट्यूब के अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर भी, जो हमारा डिस्कॉर्ड है वो भी आपको नोटिफिकेशन देगा। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं किया, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, वहाँ पे मैं ज़्यादातर ऑनलाइन भी रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। जी हाँ, मैं डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और मैं कॉल भी जो है आपके ज़रूर एक्सेप्ट करूंगा, डिनाइड मैं नहीं करने वाला किसी के भी, तो डोंट वरी, आप वहाँ पे जो है मेरे को DM कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा मैं, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब काफ़ी सारे बंदे हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन आइकन को बहुत ही कम लोगों ने ऑन कर रखा है, ऑल पर कर रखा है, इस वजह से जो है नोटिफिकेशन काफ़ी कम लोगों के पास जाता है, एंड जब मैं वीडियो प्रीमियर करता हूँ या अपलोड करता हूँ तो काफ़ी सारे बंदे क्विकली नहीं आ पाते, एंड जो बहुत बेहतरीन वाली जो वीडियो होती है वो मिस कर देते हैं। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन। आई मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।